एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक मिडलमैन के थ्रू जाना पड़ेगा जिसका नाम है शेयर बाजार, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं मनीष आहूजा और यह है पेचेक टू प्रॉफिट, इंडिया का पहला यूट्यूब चैनल जो बात करता है आपके साथ आपके ही फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। इस चैनल पे मैं नए वीडियोस बनाता हूँ 4th, 14th और 24th तारीख को, तो अगर आपके डेट में 4 है तो याद रखिए हमारे इस चैनल पे आपके लिए एक वीडियो ज़रूर होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगा कि शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, शेयर बाजार जो बहुत पॉपुलर है, जो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसमें एग्जैक्टली होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो अगर एक कंपनी चाहती है कि उस कंपनी के शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके मार्केट्स में, इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो उस कंपनी को अपने शेयर्स को एक शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट या शेयर बाजार में लिस्ट करवाना होगा। उसी प्रकार अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर मार्केट के थ्रू उस कंपनी के शेयर्स की लेन देन या ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी होगी। तो सिंपल हिसाब है पेचेक ब्रोस, एज एन इन्वेस्टर अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक मिडलमैन के थ्रू जाना पड़ेगा जिसका नाम है शेयर बाजार, शेयर मार्केट या इक्विटी मार्केट। तो आप जब एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो शेयर मार्केट के थ्रू या शेयर मार्केट ब्रोकर के थ्रू, तो आपका सारा पेपर वर्क, आपका सारा लेन देन बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, सारा कंप्यूटर्स का सिस्टम मैनेज करना और सारी लीगल रिपोर्ट्स तैयार करना, ये सारा काम करता है शेयर मार्केट। और यही सारे काम की छोटी सी फीस जो लेता है, ट्रांजैक्शन फीस, उसी से कमाई होती है एक शेयर मार्केट की। इंडिया में दो शेयर मार्केट्स हैं जो सबसे बड़े हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या जिसे BSE और NSE भी कहते हैं बहुत पॉपुलरली। इस देश में और काफ़ी छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं जैसे कोची स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज और ऐसे बहुत सारे छोटे एक्सचेंजेस भी हैं जिसमें शेयर्स की ट्रेडिंग होती तो है लेकिन वो बहुत छोटी कंपनियां हैं और उसमें अगर आपको ट्रेड करना भी हो तो उसका पूरा प्रोसीजर अलग है। और जितनी भी ट्रेडिंग जो आपको नज़र आती है टेलीविजन चैनल्स में या न्यूज़पेपर्स में या किसी भी जगह पे ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ये जितनी भी शेयर्स की बात होती है ये BSE और NSE के शेयर्स की ही होती है। तो अगर आप BSE और NSE में इन्वेस्ट कर रहे हैं या BSE NSE के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ 4,500-5,000 कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको इन्वेस्ट करना होगा एक शेयर ब्रोकर के थ्रू। अब ये शेयर ब्रोकर क्या होता है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा आने वाले अगले वीडियो में। तो उस वीडियो के अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियोस बनाऊं तब आपको नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, अपने चाहने वालों का ध्यान दीजिए और खुश रहिए। कचिंग।